आज मैं आपके लिए डबल कलर का ये बॉर्डर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है। ये बनाना बहुत ही ईजी है। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं 8 × 2 फंदे लेने हैं। यहाँ पर ये देखिए, जितना आपने ये बॉर्डर बनाया हुआ, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ये बॉर्डर आपने जितना आप बनाना बड़ा बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। इतना बनाए, दो इतना बनाए, जितना भी आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं वो आप बॉर्डर इसके बाद जो है डिज़ाइन के बाद आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम अब शुरू करते हैं बनाना। अब हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। इसके अंदर मैंने 26 फंदे ये लिए हैं। ये राइट साइड है, यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो को उल्टा बनाते हुए इसे हम पूरा करेंगे। फर्स्ट रो को राइट साइड से उल्टा बनाते हुए इसे हमने कंप्लीट किया। अब बनाएंगे सेकंड रो रॉन्ग साइड से। ये दो फंदे हैं, आगे के दो फंदे इनको हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे, राइट वाली पर। अब ये वाला कलर हम चेंज करेंगे, यहाँ से हम उल्टा बनाएंगे और इस धागे को हम ऐसे घुमाएंगे और इस पर हम ये ऐसे करेंगे। फिर एक बार हम इसको धागे को फिर से घुमाएंगे, तो ये हमारे हो गए। दो बार हमने धागे को लपेटा और इसे हम निकाल देंगे। अब फिर ऐसे एक और दो बार लपेटेंगे, फिर ऐसे ही ये चार फंदे हो गए, ये पांच और ये छः। छः फंदों पर दो बार धागा हमने लपेटा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। अब ये दो फंदे हैं, दो फंदों को हम उतार लेंगे, फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे। दो बार धागे को लपेटेंगे, ये एक बार हुआ हमारा, और ये छः। ये छः बार जो है हमने बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर ऐसे ही दो बार फिर हम दो फंदे लेंगे, इनको हम बिना बुने उतार लेंगे। फिर छः फंदों पर हम फिर से धागे को लपेटेंगे। सेकंड रो रॉन्ग साइड से हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे थर्ड रो। दो फंदे हमने ऐसे ही उतारने जैसे हमने ये पहले उतारे थे। ये राइट साइड है। अब ये वाले फंदे हम खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये सभी फंदे जो है हम लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। फिर इसमें से ये तीन फंदे आगे करेंगे। ये चौथा फंदा जो होगा हमारा, इस फंदे को लेंगे और इसे यहाँ पर हम सीधा बना देंगे। ये देखिए, इसे सीधा बनाएंगे। अब ये जो तीन फंदे हमारे आगे के हैं, इन फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। फिर अब ये लेंगे फंदा, और इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर इस फंदे को लेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे ऐसे ही, और इसके ऊपर से निकाल देंगे। ये तीन फंदे पीछे वाले जो है ये हमने बनाए। अब ये आगे वाले फंदे हैं, इनको भी हम यहाँ से सीधा बना लेंगे। ये देखिए, पहले हमें पीछे वाले फंदे बनाने, फिर हमने आगे वाले फंदे बनाने हैं। अब दो फंदे हम इस पर से उतार लेंगे, फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे हमने उतारे। फिर ऐसे ही लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे। अब ये पीछे वाला फंदा जो 1, 2, 3 ये छोड़ देंगे। ये फोर्थ वाला फंदा, इसको लेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे और इसके ऊपर से हम निकाल देंगे। फिर ये फिफ्थ वाला फंदा लेंगे और इसको बनाएंगे और इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर ये सिक्स्थ वाला फंदा लेंगे, फिर इसको हम इसके ऊपर से बनाकर निकाल देंगे। फिर ये हमारे स्टार्टिंग वाले फंदे हैं, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड फंदा। तो ये हमारे सभी फंदे जो हैं ये पूरे हो गए। फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे। दो फंदे इनको बिना बुतने ऐसे ही उतारना है। ऐसे ही इसको हम उतारेंगे और ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये पहले बनाए, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसको सिलाई पर लेंगे, सेम ऐसे ही ऐसे रिपीट करना है। थर्ड रो को हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा डिज़ाइन ये देखिए बनना स्टार्ट हो गया। अब बनाएंगे फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। अब हम अपने कलर को चेंज करेंगे। ये जो हमने फंदे उतारे थे, अब इनको हम उल्टा बनाएंगे, ये देखिए। और ये डिज़ाइन के फंदे हैं, इनको भी हम उल्टा ही बनाएंगे।
इस रो को उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। अब बनाएंगे फिफ्थ रो राइट साइड से। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारा पहला फंदा है फर्स्ट वाला, इसको बनाएंगे हम सीधा, फिर धागे को हम अपनी साइड करेंगे और एक फंदा बनाएंगे उल्टा, फिर धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे, उल्टा। यानी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे सिक्स्थ रो। सिक्स्थ रो में हमने ये देखना है ये फंदा हमारा कौन सा फंदा है, ये हमारा फंदा इस साइड में उल्टा है, तो ये वाला फंदा हमारा यहाँ पर सीधा बनेगा, तो इसको हमने यहाँ पर सीधा बनाना है। धागे को अपनी साइड करेंगे, ये फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, ये सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे, उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और सीधा बनाएंगे। जो इस साइड में सीधा है वो इधर आके उल्टा होगा और जो यहाँ पर उल्टा है वो यहाँ पर आकर सीधा होगा। तो अब ये देखिए, ये हमने सीधा बनाया, अब बनाएंगे हम उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा बनाते हुए इसे हमको कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर अब आप जितना चाहे उतना बॉर्डर जो है एक उल्टा एक सीधा का बना सकते हैं, या दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे कर भी बना सकते हैं, जैसा भी चाहे ऊपर जो है आप बॉर्डर बना सकते हैं। ये हमारा डिज़ाइन जो है बॉर्डर का बन चुका है। अब ये वाला जो धागा है इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे, ये देखिए, तो हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। ये देखिए सेम ऐसे ही, ये देखिए बहुत ही इजी डिज़ाइन है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।